उपस्थित महानुभाव सभा में उपस्थित महानुभाव, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पार्टियां संगठन पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े स्तर पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है, समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इसको सही दिशा में इसका क्या क्या कारण है इसको समझ के उसका काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि इसको हम विशेषज्ञों की तरफ से देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा भारत का लगभग 7% के करीब पैसा केवल 5 चीजों पर विदेशों में जा रहा है। वो 5 चीजें हैं खाद, डीजल, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा और हथियार। जब तक ये पैसा अपना विदेशों में जाता रहेगा, विदेशी संसाधनों की आधार व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक हमारे देश के जो संसाधन है उनका समुचित तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा, इससे संतुलन बिगड़ेगा। यदि हमें वास्तव में पर्यावरण संतुलन बनाना है, अपने देश की समस्याओं के समाधान करने हैं, तो हमें इस पैसा जो लाखों करोड़ रुपए जो विदेशों में जा रहा है, इसको हमें विदेशों में जाने से रोकना होगा। और वो तभी रोका जा सकता है जब हम इसका विकल्प अपने देश के अंदर पैदा करें। विकल्प के लिए आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर 3 संसाधन बड़ी मात्रा में है, जमीन, जानवर और मनुष्य। यदि हमें इस पैसे को लाखों करोड़ रुपए को विदेश में जाने से रोकना है, सभी लोगों को सुखी समृद्धि बनाना है, तो हमें इन संसाधनों पर आधार पूरी व्यवस्था बनानी होगी। और व्यवस्था बनाने के लिए हमें हर गांव के आसपास बड़े बड़े स्पेशल स्वदेशी कॉर्मेंट जोन बनाने होंगे। वहां पर बायोगैस बनेगी, वहीं कंपोस्ट खाद बनेगी और वहीं बिजली बनेगी। और जितनी छोटी गाड़ियां हैं हमें सभी बायोगैस से कंपल्सरी करनी होगी ताकि इसकी वैल्यू बढ़ सके। और ये जो गांव के आसपास बनेगा वो घर घर नहीं बनाना होगा, पूरे गांव का इकट्ठा एक ही जगह पर बनाना होगा और वो सरकार के अंडर में बनाना होगा और वो सही तरीके से काम कर सके, उसके लिए प्रबंधन उसका प्राइवेट करना होगा ताकि उसमें सभी लोगों को अलग अलग कामों में जो है उनको उसकी ट्रेनिंग देकर उनको सरकारी नौकरी के रूप में गाँव के आसपास लगाना होगा। एक काम हमें यह काम करना होगा और दूसरा आपने देखा है कि अपने देश की आधे से ज्यादा जमीन सूख के बर्बाद हो रही है पानी के चक्कर में, इसके कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस पानी को हमें रोकना होगा और रोकने के लिए हमें एक वाटर हार्वेस्टिंग की एक नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या होगा कि 20-20 बीघा के क्षेत्र बनाने होंगे और उसके ढलान वाली जगह पर बड़ा सा गड्ढा, ताकि उस एरिया में जितना पानी है उस गड्ढे में इकट्ठा हो। उसके बगल से पाताल बोर बनाना होगा, उन दोनों को 5 फुट नीचे खिड़की से जोड़ना होगा ताकि जब बड़े गड्ढे की मिट्टी बैठ जाए तो उस खिड़की को खोल दिया जाए तो बड़े गड्ढे का पानी बोर के द्वारा सीधा जमीन के अंदर। इस तरीके से पहाड़ों का पानी पहाड़ों पे, जंगलों के जंगलों पे, शहरों का शहरों में, गांव का गांव में, खेतों का खेतों में। ये केवल एक साल के अंदर बिना विदेशों से पैसा लिए अपने देश के पैसे वालों का पैसा और मेहनत वालों की मेहनत, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। और जैसे ही खड़ा हो तो विदेशी खाद, डीजल, पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, हथियारों को महंगा कर दिया जाए और अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो अपना पैसा विदेशों में जाने से रुकेगा और इससे 3 साल के अंदर अपने देश को विश्व श्रेष्ठ बनाया जा सकेगा। लेकिन यह मतलब कभी ना होगा, कोई भी प्रधानमंत्री देश का बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, अकेला इसको लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने देश के संविधान तंत्र में आधे अधिकार केंद्र पे है, आधे राज्यों पे है और वो ऐसे गुथे हुए हैं कि कोई अकेला करना चाहता है तो उसका दूसरा विरोध करता है। इसलिए जिम्मेदारी और अधिकार हमें पूरे क्लियर करने होंगे। इसके लिए केंद्र और सभी राज्यों में ऐसे लोगों के नेतृत्व में मजबूत सशक्त व्यवस्था बनानी होगी और उसके लिए पूरी प्राणी के साथ काम करना होगा। तो यह सब चीज कैसे क्या करना होगा उसके लिए बड़े विस्तार की जरूरत है, वो भी पूरा विशेषज्ञ काम तैयार किया है। तो अभी क्योंकि समय कम है तो इस पर और आगे बात नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति बाकी राजनीति के लिए ऐसा करना चाहता है और वो आके पूरी प्लान को जानना चाहता है और काम करना चाहता है तो वो नंबर हमारा आप लिख सकता है ताकि अलग से पूरी चर्चा की जा सकती है। नंबर है 7678103006। RS भारत मेरा नाम है। इसलिए सब पूरा प्लान पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, सांसद, मंत्री, विधायक जो पूरे देश में जो अलग अलग करना चाहते हैं उन सब की तरफ से बनाया है। इस पर काम भी चल रहा है। यदि कोई शामिल होना चाहेगा तो इस जो नंबर बताया है संपर्क करेगा तो पूरा मौका दिया जाएगा और आगे बहुत ही जल्दी इस पर काम पूरे देश के अंदर हो रहा है और सब परिणाम इसके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही। हमारे बीच
ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से सरस्वती कुलकर्णी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा पालू देव जी से और विमला जी से कि आपको आदरणीय सरस्वती जी का सम्मान करें। पालू देवी जी और विमला जी आप आए और सरस्वती कुलकर्णी जी का गुलदस्ता भेंट कर सम्मान करें। स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे वक्ताओं में से मंचस्थ अतिथियों को छोड़कर आखिरी वक्ता डॉक्टर ओम जी धर्माना, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें और अपनी बात रखें।
भी हैं और हम हमेशा जीवों की, वृक्षों की और अपने गुरु महाराज के नियमों की पालना करते हुए अपने नियम पे चलते रहते हैं। ये 363 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो भी कार्य कर रही है वो बहुत ही अति उत्तम कार्य है। कुछ वर्षों पहले इन्होंने रामलीला ग्राउंड में भी धरना दिया था, वो भी बहुत अच्छा रहा था और जितना भी कर सकते थे दिल्ली वालों ने पूरा सहयोग किया था।